कैसा लगा यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा यहाँ आपको क्या लगा? वाटर स्लाइड्स और जो जो झूले हैं वहाँ पे, वो काफी अच्छे झूले हैं। 9:30 बजे के करीब के आसपास आ गए थे। टाइम का तो पता ही नहीं चला, टाइम का पता भी नहीं और जाने का भी मन नहीं है। द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा पीस है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रश ज्यादा है, मतलब सिर्फ हमारे स्टूडेंट सब बहुत अच्छा एंजॉय कर गया। देखकर इंसान बच्चा बन जाता है किस्म से जी, ठीक है, वो मोमेंट एक बेस्ट मोमेंट होते हैं। मन लगने वाली जगह है, एक बार आओगे ना, पैसे लगे तो पूरे हो गए जाओगे। शांत माहौल में बनाया हुआ है और पूरी लोकेशन है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली से और रोहतक से देखोगे आप बिल्कुल हटके है, और सबसे बड़ी बात है मेन हाईवे के ऊपर है, आपको किसी तरह अंदर नहीं जाना है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, एक्सीलेंट है। समुद्र वाली फीलिंग आ रही है, जैसे समुद्र में हम मस्ती कर रहे हो, बच्चे मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात तो बच्चों की होती है, बच्चे फन करते हैं यहाँ पे। बच्चों का मन जिस तरीके से लग रहा था कि पता चला कि हाँ भैया एक्चुअल में जाए जहर बढ़िया है, यहाँ पे बच्चों का अच्छा टाइम पास होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट फुल है यहाँ पे, बच्चे के लिए सेफ है, हमारे लिए भी सेफ। स्कूल के बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल पैकेजेज हैं स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी रीजनेबल हैं, विद लंच विदाउट लंच दोनों तरीके से बच्चे आ सकते हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी न्यूज चैनल की टीम नेशनल हाईवे 9 रोहतक हिसार रोड पर मदीना टोल प्लाजा के पास वाटर पार्क में पहुँची है। अक्षरा, कौन सा स्कूल आपका? द क्रिएटिव अपेक्स। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पहुँच कर? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर? आप सारी जगह घूम चुकी हैं? यस सर। सुनीता सर, कौन से स्कूल से आप आई हो? हम क्रिएटिव अपेक्स से हैं, मंगाली से। अच्छा, हाँ जी सर। कैसा अनुभव रहा यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लगा सर, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और हमने भी साथ में, स्टाफ ने भी, सभी ने अच्छा एंजॉय किया सर। आपका क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, सबसे अच्छा यहाँ आपको क्या लगा? वाटर स्लाइड्स और जो जो झूले हैं वहाँ पे, वो काफी अच्छे झूले हैं। यहाँ कब आए थे? आज फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, कितनी देर से यहाँ पे है? हम सुबह 9:30 बजे के करीब के आसपास आ गए थे। टाइम का तो पता ही नहीं चला, टाइम का पता भी नहीं और जाने का भी मन नहीं है। इतना अच्छा लगा यहाँ? बिल्कुल अच्छा लगा। आपका क्या नाम? निशा। निशा, कहाँ यहाँ कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको? एनवायरनमेंट अच्छा है सर। हाँ। और सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पे? स्लाइड्स का सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो जो बैक में है ना, वो वाला अच्छा लगा। सीमा डबास। यहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट लगा? बहुत ही ज्यादा सूदिंग, एनीवन स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग इट एंड टीचर्स आर आल्सो एंजॉयिंग इट। सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ क्या लगी इस वाटर पार्क में? द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा पीस है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रश ज्यादा है, मतलब सिर्फ हमारे स्टूडेंट सब बहुत अच्छा एंजॉय कर गया, मतलब यहाँ पे शांति है, शांति है। यस, बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज है, वाटर पार्क है, स्लाइड्स है अच्छी अच्छी, मतलब इंजॉयमेंट पार्क के तौर पे अगर बोले तो बहुत अच्छा पार्क है। मतलब एक टेंशन फ्री बंदा अपने इंजॉय कर सकता है, अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट कर सकता है, एक मौज मस्ती का टाइम मिलता है उनको करने का। मतलब एक किस्म से जैसे बच्चों की एक्टिविटी देखकर इंसान बच्चा बन जाता है किस्म से जी, ठीक है, वो मोमेंट एक बेस्ट मोमेंट होता है। देखिए, सर का कहना है कि जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उससे भी कुछ जो समय है वो अपने लिए इंसान निकाल पाता है अगर इस तरह की जगह पर अगर जाता है। इसमें वाटर पार्क में कोई भी दिक्कत नहीं है, शराबी और कोई दिक्कत परेशानी है, अपने फैमिली के साथ किसी के साथ भी आओ और कोई परेशानी नहीं है। मन लगने वाली जगह है, एक बार आओगे ना, पैसे लगे तो पूरे हो गए जाओगे। इसमें झूले तो आपने उड़ देख लिए होंगे सारे, वाटर पार्क ये स्लाइड वाली भी एक नंबर की, बढ़िया बढ़िया मजा, छोटे बच्चे ने भी और बड़े आदमी ने भी। घूमने आए थे, टूर था स्कूल का। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ घूम के? अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? स्लाइड सबसे अच्छी लगी। यस। कहाँ से आप घूमने आए हैं? गोहाना से। गोहाना से इतनी दूर घूमने आए हैं, कैसा फीडबैक रहा यहाँ पहुँचा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? सारी चीज अच्छी है यहाँ पे जी। भाई साहब, आपका नाम? प्रदीप लठवाड़ भाई। प्रदीप जी, गोहाना से आ रहे हो? हाँ जी, गोहाना से, मुड़लाना गाँव अपना। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? सारी चीजें अच्छी है भाई, ओवरऑल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांत माहौल में बनाया हुआ है और खुली लोकेशन है, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली से और रोहतक से देखोगे आप बिल्कुल हटके है, और सबसे बड़ी बात है मेन हाईवे के ऊपर है, आपको किसी तरह अंदर नहीं जाना है,
बहुत बढ़िया लोकेशन है, एक्सीलेंट है बिल्कुल। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार सब लोग यहाँ पे आए और अपना समर की वैकेशन है जो भी उनका आनंद ले। सिक्योरिटी के मामले में कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? सिक्योरिटी के लिए तो देखो अभी क्या है, सिक्योरिटी मायने रखती है जब जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। अभी तो इस टाइम पे तो क्राउड ही नहीं है बिल्कुल भी, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा होंगे 300-400 आदमी होंगे। तो सिक्योरिटी मायने रखती है जब 2000-4000 आदमी और उनको संभालना, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को तो गर्मियों में इसी को फन करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग आए और समर वैकेशन का आनंद लें। धन्यवाद। समुद्र वाली फीलिंग आ रही है, जैसे समुद्र में हम मस्ती कर रहे हो, बच्चे मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात तो बच्चों की होती है, बच्चे फन करते हैं यहाँ पे मजे से। जी देखिए, इस वक्त चरखी दादरी में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से जो हिसार का जो रास्ता है उस पर मौजूद हुआ, आप तस्वीर आप देख सकते हैं एक बार किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त किंगलैंड जो वोटर पार्क है इसमें कुछ लोग घूमने आए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम आपको भी, आपके सारे चैनल को जो देख रहे सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? मैं फरमाना से। अच्छा, किसा के माहौल लगा आप लोग? किसा के लगा भाई? बढ़िया लगा भाई, थोड़ा ऐसा है कि बच्चे भी आ रहे हैं भाई के बनता रह रहा, फिर हम बोले मामा उधर चल लाएंगे सिप्लेक्स में, चलो भाई। हाँ। तो आगे देखा एक बार तो लग रहा था अभी पैसे व्यर्थ हो रहे, लेकिन यहाँ पे बच्चों का मन जिस तरीके से लग रहा था कि पता चला कि हाँ भाई एक्चुअल में जाए जहर बढ़िया है, यहाँ पे बच्चों का अच्छा टाइम पास होता है। मतलब जो पैसे लगा रहे वसूल हो गए? हाँ वसूल हो गए भाई। नमस्कार जी। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? मैं किशनगढ़ मैम से। अच्छा, यहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट है? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इंजॉयमेंट फुल है यहाँ पे, बच्चे के लिए सेफ है, हमारे लिए भी सेफ है। अच्छा, यहाँ आप कब से आए हैं? यहाँ आज हमारा फर्स्ट टाइम ही है। सुबह कितने बजे आए थे? अभी आए हैं शाम को 3 बजे के आसपास। सबसे अच्छा यहाँ आपको क्या लगा? यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। तो ये लहरें उठ रही पानी में, नेचुरल फीलिंग तो है ही, अगर हम कहीं बाहर लेक वगैरह ओशन वगैरह मिस करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस्ट मूवमेंट हम एंजॉय कर सकते हैं, हम अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सबसे जरूरी हो जाता है कि इंसान की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसे कहीं ना कुछ को राहत मिले, और जो काम की जो टेंशन रहती है कहीं उससे उसको राहत मिले। यहाँ पर काफी लोग घूमने आए हैं, उनसे हमने बातचीत की है, उन सभी का कहना है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा है और काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो शांति की जगह है, बिल्कुल अच्छे से मन यहाँ लगता है, और सुरक्षा के मामले में भी काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। इस वक्त किंगलैंड जो वॉटर पार्क है इसकी मैनेजमेंट से हम बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप जैन सर मौजूद है। सर, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, किस तरह की व्यवस्था है आपके वॉटर पार्क में और ये कहाँ की ये लोकेशन रहेगी? ये लोकेशन है सर NH9 हिसार रोहतक रोड नियर मदीना टोल प्लाजा। जी सर, इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? इसमें बेस्ट व्यवस्थाएं हैं, बच्चे से लेके बड़े से बड़े इस ग्रुप के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और हर तरह का इंजॉयमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे। छोटे से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं, बड़े से बड़ों के लिए स्लाइड्स हैं, और कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास ही हैं, जैसे पाइथन स्लाइड्स है, एक्वा फन है, एक्वा लॉन्चर है, इस टाइप की काफ़ी स्लाइड्स हैं। सबके लिए पुल अलग अलग बने हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग पुल हैं, बड़ों के लिए अलग पुल बने हुए हैं, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एज ग्रुप के लोग इंजॉय कर सकते हैं, गर्मियों में लुत्फ उठा सकते हैं वाटर पार्क का। कोई अगर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचता है तो किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? जी यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं, छोटा आए, बड़ा आए, परिवार के साथ आए, यार दोस्तों के साथ आए, यहाँ किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जगह पर सेफ्टी पॉइंट्स हमने और क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से बाउंसर रखे हुए हैं हर जगह पर, हमारे लाइफ गार्ड्स हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। जी यानी कि सर का कहना है कि अगर कोई परिवार के साथ यहाँ घूमने आता है तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इसके अलावा यहाँ वॉटर पार्क में इनके बोनसेस रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ घूमने आए उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और सुरक्षा भी उन्हें प्रॉपर मिल सके। सर अगर बात की जाए तो वॉटर पार्क काफी कम संख्या में होते हैं, ऐसे में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है? जी उनके लिए हमारे पास रूम्स हैं, लग्जरी रूम्स हैं, और स्टे कर सकता है, और उसके साथ ही अभी हमने किंगलैंड हवेली के नाम से एक रेस्टोरेंट भी बनाया है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, डिलीशियस फूड है, सारा हाइजीनिक है जी, तो कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का, आराम से बंदा रह भी सकता है, खा भी सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। हाँ वाटर पार्क में भी कैंटीन है हमारे,
और रीजनेबल प्राइस पे अच्छा खाना मिलता है। कोई देखिए जैसा कि सर ने बताया कि अगर कोई बाहर से आता है तो यहाँ पर स्टे भी कर सकता है और वाटर पार्क में इंजॉय भी कर सकता है, काफी बेहतर व्यवस्था यहाँ रहने वाली है। अगर सर बात करें तो कितनी फीस यहाँ पर चार्ज की जा रही है पर पर्सन के हिसाब से? जी अडल्ट की फीस 800 रुपये है पर पर्सन और बच्चे की फीस 600 रुपये है 4.5 फीट हाइट तक, और उससे जो 2.5 फीट से छोटा बच्चा है वो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सर बात की जाए तो कितना समय मिलता है आप किसी भी पर्सन को? जी आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रह सकते हैं पार्क में, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 बजे आपको बाहर निकलना होगा। जी देखिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वाटर पार्क में अच्छे से घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी किया है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छा अच्छे रूम्स हैं और अच्छा खाना भी है और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ भी हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी चाहते हैं किसी वाटर पार्क में जाए, कहीं घूमने के लिए जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था है और उनके लिए कितना चार्ज आप ले रहे हैं? जी स्कूल के बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल पैकेजेज हैं स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी रीजनेबल हैं, विद लंच विदाउट लंच दोनों तरीके से बच्चे आ सकते हैं और हमारे पास आते भी हैं अभी हिसार से, सरसा से, दादरी से, आपका नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, सब तरह सब जगह से हमारे पास स्कूल के बच्चे आते हैं। और खाने की व्यवस्था है उनकी अच्छे से, बड़ा हॉल है, डाइनिंग हॉल है बड़ा, उसमें 400-500 बच्चे एक साथ खाना खा सकते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल पैकेजेज हैं स्कूल के लिए हमारे पास, डिस्काउंटेड रेट पे पैकेजेज हैं और क्वालिटी के साथ में। जी जैसा कि सर ने कहा अगर स्कूल के बच्चे विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष छूट होती है, उनके लिए विशेष पैकेज होते हैं ताकि काफी संख्या में बच्चे एक साथ आए और यहाँ पर इंजॉय कर सके। नेशनल हाईवे 9 रोहतक हिसार रोड पर नजदीक मदीना टोल प्लाजा के पास ये वाटर पार्क है और आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंचकर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई परिवार के साथ यहाँ पहुंचता है तो एक सकारात्मक माहौल है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं ताकि यहाँ पर आने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे।